हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपना जो टेस्ट था उसके अंदर अपने पास्ट टेंस का चैप्टर लिया था, तो 20 क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले अपन 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फार्मर ब्लैंक डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। जब कहीं बिफोर और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखती है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, डिवाइड की थर्ड फॉर्म होगी डिवाइडेड, डिवाइडेड। इस प्रकार से अपने को रूल पता रखना है कि बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और पहले कोई ब्लैंक हो तो वहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन है, आई ब्लैंक नॉट प्ले क्रिकेट इन 2019। जब इनके बाद में कोई टाइम हो, इन 2019, इन 2018, इन 2007, कोई भी, तो वहाँ पे पास्ट सिंपल होता है और नॉट लगा रखा है तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव, तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग जाएगा और नॉट, नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल में। तीसरा क्वेश्चन है, इफ आई ब्लैंक अ स्टोरी आई वुड डिस्क्राइब अबाउट माई कंट्री। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं भी वुड और शुड और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पे अपने को सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू आर ओ टी ई, ये राइट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसमें इफ हो और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ब्लैंक के अंदर सेकेंड फॉर्म यूज होगी। चौथा क्वेश्चन है, वाई दे कार्ड्स द बेबी और वर्ब स्लीप। दो वर्ब्स आई है इसमें, तो देखिए जब व्हाइल का यूज हो, व्हाइल का यूज होता है तो दोनों जगह पास्ट कंटिन्यूज होता है, तो पास्ट कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है, वाज और वर प्लस वर्ब की फॉर्म में आई एन जी होता है, तो दे के साथ में हमेशा आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी और वर्ब में आई एन जी प्लेइंग, और इधर द बेबी सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा, वॉज स्लीप के साथ में आई एन जी स्लीपिंग। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई ब्रैकेट में वॉक देखा है टू स्कूल आई सी नित्या। अब इसमें देखिए, जब व्हेन के साथ में, देखिए दोनों काम हो रहे हैं, एक तो है जब स्कूल वो जा रहा था और उस समय उसने क्या चीज देखा है, नित्या को देखा है, तो वैन के साथ में जो पहला वाक्य है इसमें वॉज वर का यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूज होगा, तो आई के साथ में वॉज वर की फॉर्म में आई एन जी वॉकिंग, और सेकेंड है जो सेंटेंस वो पास्ट सिंपल का होगा, वर की सेकेंड फॉर्म होगी सा, एस ए डब्ल्यू। तो इस प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे अगले वीडियो में। अब छठा क्वेश्चन है, द वेदर ब्लैंक बी वेरी प्लीजेंट लास्ट वीक। आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, ये सारे पास्ट सिंपल के पहचान हैं, उसकी एडवर्ब है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ब अपने पास बी है, बी की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, ये प्रेजेंट सिंपल होता है, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और वर, ये पास्ट होती है, तो अपने पास्ट की फॉर्म लेनी है वाज, वाज और वर, तो द वेदर सिंगुलर माना जाता है इसलिए यह फॉर्म आएगी पास्ट की वाज। सातवां क्वेश्चन है, एज माय मदर कम इन टू माय रूम आई स्लीप। तो जब एज का प्रयोग हो तो एज के जस्ट बाद में जो ब्लैंक है उसके अंदर अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो एज माई मदर कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कैम, एज के जस्ट बाद में जो ब्लैंक है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कम की सेकंड फॉर्म कैम, इनटू माय रूम आई, अगर इसके बाद में एक और वाक्य जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर पास्ट कंटिन्यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूज में देखिए वाज और वर हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, वाज और वर, तो आई के साथ में वॉज लगेगी, वॉज और वर्ब की फॉर्म में आई एन जी स्लीपिंग, स्लीप के साथ में आई एन जी स्लीपिंग हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, इफ ओनली
इफ ओनली पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न एल ई ए आर एन डी और टी भी लगा सकते हो। नवा क्वेश्चन है वैन, इधर तो वैन है और लास्ट में फोर प्लस टाइम, जब फोर प्लस टाइम हो तो सबसे पहले वाला है अगर ब्लैंक उसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे रिच्ड, और दूसरा अगर ब्लैंक है उसके अंदर हैड बीन प्लस आई एन जी, तो दे के साथ में हैड बीन वर्ब में आई एन जी वेट का हो जाएगा वेटिंग। ये चीज ध्यान रखना है कि जब वैन हो और पीछे फोर प्लस टाइम हो तो यहाँ पे पहले ब्लैंक के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और दूसरे ब्लैंक में हैड बीन प्लस वर्ब में आई एन जी। दसवां क्वेश्चन है ही मीट मैरी वैन सी वॉक थ्रो द पार्क। अब इसमें देखिए कि दो क्रियाएं एक साथ हुई कि उसने मैरी को देखा, कब, जब वो पार्क में पार्क को पार्क के अंदर वो जा रहा था, तो यहाँ पे दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं तो वैन के जस्ट बाद में है उसमें तो पास्ट कंटिन्यू जाएगा, तो सी वॉज वॉकिंग, क्योंकि सी के साथ में वॉज हेल्पिंग वर्ब लगती है और पास्ट कंटिन्यूस वर्ब में आईएनजी लगता है, तो वॉक के साथ में आईएनजी लग जाएगा वॉकिंग हो जाएगा। और इधर वैन से पहले अगर कोई वाक्य है तो उसके अंदर अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो सेकंड फॉर्म होगी मीट की सेकंड फॉर्म मेट एम ई टी। आगे नेक्स्ट वीडियो 16 क्वेश्चन देखिए व्हेन ही वॉश द राइस ही बॉइल इट। अब यहाँ पे जो धोने का काम है वो किसका धोने का काम है, राइस को, चावल को धोने का काम कर रहा है और बॉइल करने का काम भी किसका, इट यानी से चावल को ही बॉइल कर रहा है चावल को ही धो रहा है, तो जब व्हेन के साथ में दोनों ही काम एक ही चीज के बारे में हो रहे हो तो पहले ब्लैंक के अंदर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म वॉश फॉर्म और सेकंड ब्लैंक के अंदर सिर्फ सेकंड फॉर्म बॉइल की बॉइल। ये ध्यान रखना जब वैन से वाक्य कोई शुरू हो रहा हो और उसमें एक ही व्यक्ति एक ही कोई काम कर रहा हो तो पहले ब्लैंक के अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड में ओनली सेकंड फॉर्म। 17 देखिए वी स्पेंड आवर वैकेशन इन कुल्लू लास्ट समर। अभी लास्ट समर, लास्ट समर हो लास्ट मंथ हो लास्ट ईयर हो, ये पास्ट सिंपल है और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, स्पेंड की सेकंड फॉर्म होती है स्पेंड। 18 क्वेश्चन वी हैव बीन लिविंग इन बाड़मेर सिंस। अब देखिए हैव बीन लिविंग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है, सिंस का यूज भी हो रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का कोई सेंटेंस हो और उसमें कोई पीछे ब्लैंक दे रखा हो तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो जॉइन की सेकंड फॉर्म होगी जॉइन ईडी लग जाएगा, ध्यान रखना विशेष, क्योंकि वी हैव बीन लिविंग इन बाड़मेर, तो यहाँ पे हैव बीन लिविंग, हैव बीन के साथ वर्ब की फॉर्म में आईएनजी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज के अंदर कोई अंत में ब्लैंक दे रखा हो तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। 19वां क्वेश्चन देखिए आई सी ए ग्रेट फिल्म यस्टरडे। ये यस्टरडे एडवर्ब है, ये यस्टरडे एडवर्ब पास्ट सिंपल की है और पास्ट सिंपल का वाक्य अफर्मेटिव है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। लास्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट वीक, ये आपको पता है लास्ट वीक हो लास्ट मंथ हो लास्ट ईयर हो पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का वाक्य ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, रन की सेकंड फॉर्म होती है रन आर ए एन। इस प्रकार से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। 11 क्वेश्चन है द बॉयज हेल्प इन द गार्डन व्हाइल सी वाटर द फ्लावर्स। इसमें देखिए व्हाइल का यूज हो तो दोनों ब्रैकेट में जो ब्लैंक है दोनों ब्लैंक्स में पास्ट कंटिन्यूज का यूज होगा, तो पास्ट कंटिन्यूज का होगा तो द बॉयज, द बॉयज में पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है वॉज और वर होती है हेल्पिंग वर्ब, तो बॉयज प्लूरल है प्लूरल के साथ में वर का यूज होगा, और पास्ट कंटिन्यूज में वॉज वर के साथ में वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी का यूज होता है तो हेल्प के साथ में आई एन जी लगाएंगे हेल्पिंग हो जाएगा वर हेल्पिंग।
और इसमें भी पास्ट कंटिन्यूस सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वाज, और वर्ब में आईएनजी, तो वाटर के साथ में आईएनजी लगेगा था वाटरिंग। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, आफ्टर, आफ्टर के जस्ट बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो आफ्टर, आफ्टर के जस्ट बाद में अगर कोई ब्लैंक है तो उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म सी की, सी सा सीन, और उसके बाद में जो कोई भी वाक्य दूसरा अगर शुरू हो रहा है तो उसमें आप सीधी सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, जैसे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। बस इतना ही ध्यान रखना है, जस्ट आफ्टर के बाद में कोई ब्लैंक हो तो उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, और वाक्य और भी जुड़ा हुआ किसी से तो उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा। इसी प्रकार 13वें क्वेश्चन के अंदर बिफोर के जस्ट बाद में ब्लैंक हो तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो जस्ट बिफोर के जस्ट बाद में ब्लैंक है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे मूव का सेकंड फॉर्म मूव, और उसके बाद में और वाक्य आगे जुड़ा हुआ है और ब्लैंक है तो उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेड थर्ड फॉर्म सेल की सॉल्ट। बस ये एक दूसरे के उल्टे है 12वां और 13वां। 12वें में देखिए आफ्टर है, आफ्टर के जस्ट बाद में ब्लैंक हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद में आगे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिफोर में क्या होता है, बिफोर के जस्ट बाद में सेकंड फॉर्म और बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। 14वां क्वेश्चन देखिए, इफ यू रीच द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड्स। कोई वाक्य इफ से शुरू हो रहा है और उसमें वुड है, और वुड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो अपन ब्लैंक में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते, लेकिन इफ वुड और वुड के साथ में हैव हो तो आप यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, तो यहाँ हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच की। ये आप ध्यान रखना अच्छी तरह से, कहीं भी अगर इफ हो, इफ से वाक्य शुरू हो और आगे कोई वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। यदि इफ वुड शुड के बाद में हैव हो तो यहाँ आप में हैड का यूज करोगे, और इस हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होगी, तो अपने को यह ध्यान रखना हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ यूज करनी है। तो आप देख रहे हैं इसमें इफ है, वुड हैव है और थर्ड फॉर्म है, तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। 15वां क्वेश्चन है, दिव्या लिव इन दिस हाउस इन दोज डेज। अब ये जो आ रहा है इन दोज डेज, ये पास्ट कंटिन्यूज का है, और पास्ट कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, तो दिव्या सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, और वर्ब में आईएनजी तो लिव का हो जाएगा लिविंग। नेक्स्ट वीडियो में अपन 16वां क्वेश्चन और 16 से 20 पढ़ेंगे।